दोस्तों, ऑपरेशन जेड लाइव रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 का वह दिन जब रूस को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध करने की घोषणा की। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह युद्ध देखते ही देखते इतना भयानक रूप ले लेगा और यूक्रेन पूरा तबाह हो जाएगा। किसने सोचा था कि यूक्रेन में रहने वाले लोगों का जीवन इस कदर बर्बाद हो जाएगा कि दिन रात उनके सिर पर मौत का खतरा मंडराएगा। लेकिन आखिर इस युद्ध के पीछे की असल वजह क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल रूस और यूक्रेन विवाद के पीछे का कारण है यूक्रेन का नाटो देशों में शामिल होना। यूक्रेन चाहता है कि वह नाटो में शामिल हो जाए। इसके लिए वर्ष 2008 में यूक्रेन ने इस बार विचार किया और नाटो में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। साथ ही यूक्रेन का यूं नाटो देशों के साथ मिलना रूस को पसंद नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसका पड़ोसी देश यानी यूक्रेन दुश्मनों के साथ मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रूस चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। साल 2021 के अंत में जब यूक्रेन ने नाटो के साथ मिलने की कोशिश की तो इस पर रूस चिढ़ गया और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध करने का निर्णय किया। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग को आज लगभग 2.5 साल हो गया है, लेकिन यह तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। युद्ध में कितना नुकसान हुआ इससे सभी भलीभांति परिचित है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर किए गए आक्रमण को रूस युद्ध का नाम नहीं देता है, बल्कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देता है। आपको बता दें कि युद्ध के शुरुआती दिनों में तो रूस ने पत्रकारों और मीडिया को युद्ध का लड़ाई बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और रूस के सैनिकों को बंदी बनाया गया तो रूसी सेना और सरकार भी अपने सैनिकों को युद्ध बंदी के नाम से बुलाने लगा। यानी अगर युद्ध बंदी का नाम लिया है तो अब यह युद्ध है, ना कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। एक तरह जहां रूसी सरकार यह कहती है कि यूक्रेन के हजारों सैनिकों ने युद्ध में अपनी जान गंवा दी, तो वहीं यूक्रेन की सेना और सरकार भी रूस को दी जबरदस्त चोट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बखान करती है। दोस्तों, जहां एक तरफ रूसी मीडिया यूक्रेन के खिलाफ तो वहीं यूक्रेन की मीडिया रूस के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही थी। ऐसे में ग्राउंड पर क्या हो रहा था ये जान पाना बेहद मुश्किल था। इसे वही बता सकता है जो वहां मौजूद हो। अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध को जमीनी स्तर पर जानना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं ऑपरेशन जेड लाइव रूस यूक्रेन युद्ध। इसे लिखा है जाने माने वार कोरेस्पोंडेंट नीरज राजपूत ने। इस किताब में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में और पत्रकारिता की क्या कमियां हो सकती हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में थोड़ा बताने और उसे समझाने का प्रयास किया है। यह किताब सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।